यार कमाल का बैट है, ये लकड़ी का है या लोहे का है? मारते मारते सांस भी ले लिया करो। एनीवेज मजा आ गया आपकी बैटिंग देख के। ऑल द वेरी बेस्ट जी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप राजस्थान रणजी के सेलेक्टर हैं? जी सर। और आप इस लड़के को अपनी टीम के लायक नहीं समझते? शाबाश बिजू। आपका अगला रणजी मैच कब है? कल मुंबई के साथ। मैं इस लड़के को कल के मैच में देखना चाहता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? बट सर टीम का सिलेक्शन हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड? विजय वन मोमेंट, तुम कल रणजी मैच खेल रहे हो अगेंस्ट मुंबई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस दादा। पहले रणजी और फिर इंडिया खेलेगा तुम्हारा विजू। भगवान करे तेरे बच्चे जिए और तेरा लहू पिए। मेरे बच्चों को छोड़ और सुन, जल्दी से शादी कर ले अपनी विजू से, वरना कोई हीरोइन वीरोइन ले जाएगी उसे। शादी? तुझे भी वही लगता है ना जो पूरी दुनिया को लगता है? विजू मुझे एक दोस्त के अलावा कुछ नहीं समझता। अच्छा तो फिर और... अब तक तो टीम की अनाउंसमेंट हो गई होगी ना विजू? अब तक तो इंडियन टीम की अनाउंसमेंट हो गई होगी। हाँ अनाउंसमेंट तो होगी होगी। नर्वस हो क्या? मैं कहाँ नर्वस हो रहा हूँ, तू नर्वस लग रही है। What rubbish? मैं नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बार तुम पक्का सिलेक्ट होगे, देखना। हाँ। सच? सच तुझे ऐसा लगता है? लगता नहीं, मुझे मालूम है, देखना। नंदू इस बार सिलेक्शन हो जाए ना तो मजा आ जाएगा यार। विजू भैया, विजू, विजू, क्या हुआ? विजू भैया, क्या हुआ? विजू, 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 विजू। हाँ, अरे बोल दे यार। अरे how to tell you news ऐसी क्रिकेट की भैया, ऐसी तैसी। God a very rude umpire, विकेट गिराया, कैसी कैसी। अरे बोलो ना क्या हुआ? अब क्या बोले, कमेटी बोली, जिसने टीम की लिस्ट खोली लास्ट बॉल पे लगाया छक्का, अपना विजू टीम में पक्का। Thanks.
सीने से लगा कर रखना। हम 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानी हैं सर, और हर हिंदुस्तानी का सपना होता है टीम इंडिया के लिए खेलना। वी आर अ क्रिकेट क्रेजी कंट्री, लेकिन यह मौका सिर्फ 11 खुशनसीबों को मिलता है। विजय, सारे हिंदुस्तानियों का गर्व, उनकी आशाएं, उनकी खुशियां इन 11 खिलाड़ियों के हाथों में है, जिनमें से अब तुम भी एक हो। राज के बाद वो अपने सपने तुम्हारे जरिए जिएंगे। You're next. All the best. Thank you, Coach. Coach. खुश रहो। हे करनी माँ। भारत 58 पे 3, विजू की मदद करना। और भारत की तरफ से आगे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं विजय शेखावत, नए खिलाड़ी हैं। मनी, क्या जानते हैं इनके बारे में? अतुल, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि एक ही मैच खेले हैं, डेब्यू में उन्होंने दोहरा शतक लगाया जिसकी वजह से सीधा उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया है जो कोच है दिलीप मल्होत्रा। कभी कभी ऐसा आपने देखा है कि कई बार जैसे इमरान खान किया करते थे अपने खिलाड़ियों के साथ, आते ही कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर डालेंगे। मुझे तो खेल अपना बैट मारो थे घोड़ों की ऐसे बक बक कर रही कुछ टूटू मेहमान हुई थी एलन बॉर्डर के साथ। ये आदत रहती है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की, किसी ना किसी तरह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जब कोई खिलाड़ी नया आता है। हैट्रिक बॉल झेलने के लिए तैयार विजय शेखावत, विकेट लगे और बॉल बॉल बच गए। कुछ किस्मत रहे कि बॉल ने बाहरी किनारा नहीं लिया मल्ले का। जिस तरह की शॉट खेली थी तो ऐसा लगता है कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि इतना आसान नहीं है। केवल एक ही फर्स्ट क्लास मैच अभी तक खेला है उन्होंने। दुनिया के सबसे तेज बॉलर 150 से ज्यादा की स्पीड से बॉल मार सकते हैं हेलमेट पर, और ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा विजय शेखावत के लिए। These things crack skulls. You okay? No, it's okay. Good. कीड़े पड़े प्रकी को सिंगल लेके स्ट्राइक मुझको दे, ली को मैं ठोका। मार दिया और बिल्कुल ब्रेडली के सिर के पास से 6 रन। शानदार! Wow, what a ball killer of a shot! It's just whistled past the right ear of Brett Lee. तो ठीक बोल रहा था, ये बॉल सर पर गई। Yeah, this is, that's a question of getting square, that's for sure. No doubt that he returns to the top. Thank you.
लगता है तो जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा है मुझे लगता है कि 6 रन बनाने जाएंगे ताकि पहले ही मैच में शतक लगा सके। और अगर आप इनके वैगन व्हील को देखें तो चारों तरफ मैदान के इन्होंने स्ट्रोक्स लगाई हैं, कंप्लीट प्लेयर के रूप में उभरे हैं विजय शेखर। कम खिलाड़ी के पास ऐसा मौका होता है कि पहले ही मैच में शतक लगा दें। स्टुअर्ट क्लार्क धीरे धीरे अपने रन पे वापस जा रहे हैं। अगली गेंद स्टुअर्ट क्लार्क की बिल्कुल तैयार है। विजय शेखावत, किस तरह की गेंद आएगी? Goes to Vijay Shekhawat. Congratulations. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. Very good. क्योंकि आज मैंने अपने ताता का सपना पूरा कर दिया. ताता, मेरे बैट से बना हर रन और पिच पे बिताए हर पल का श्रेय सिर्फ आपको जाता है. किस तरह बिताएंगे इस सेंचुरी को? अगले मैच में फिर सेंचुरी मारकर? Well done, well done. Thank you. विजय शेखावत के इस शानदार प्रदर्शन के बाद इंडियन क्रिकेट के सुनहरे काल में एक नया अध्याय जुड़ गया है. ऐसा लगता है जैसे राजस्थान ने क्रिकेट को एक नया विवरचत दे दिया है. The second one day international and Vijay Shekhawat already has scored a brilliant 113 facing Brett Lee. Oh, and hooks it away. Beautiful shot. He has got every answer at the moment and 5 runs to win. Oh, Tony. What a game. This incredible century, which, by the way, he promised. He certainly did it. He was asked about how he would celebrate his first 100. He said, well, I'll celebrate it by making another one. Well, he needs one more run here to win this game for India. And Brett Lee thunders in. Fixing on the leg, so he'll have to be quick. He'll have to have a by 4 wickets and they go 2-0 up. Second consecutive century by Vijay Shekhawat. I love you. आपको अपने बेटे पे बहुत गर्व हो रहा होगा आज. जी बिल्कुल, आपको भी तो होगा. बीजू सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे देश का बेटा है. Third one day international, the fans have come flocking in to watch the man who's now become their hero. And what more, he didn't disappoint. Once again, Vijay Shekhawat has made some brilliant shots. And Manika ji, tanke ki chot pe kehta hai Navjot Singh Sidhu. छाती को ठोक के कहता है नवजोत सिंह सिद्धू कि ये लड़का शेखावत एक दिन क्रिकेट के इतिहास को बदलेगा. India's comprehensive victories comes courtesy of a great performance by Vijay Shekhawat. 5 matches, 3 brilliant centuries, 410 runs at a whopping average of 137. It's now time to announce man of the match, and it's this man over here, Vijay Shekhawat. Don't you go anywhere though, because you're also man of the series. Yes.
साहब का फोन है। सीएम साहब का? किसका फोन है? सीएम साहब का। जी जी, थैंक यू। ये स्वागत है बेटे, बेटे मुबारक हो। मालूम है आजकल मेरे क्लास की सारी लड़कियां तेरा नंबर मांग रही हैं। दे दू विजू? क्या हुआ नंदू? चुटकी भरना। हाँ? चुटकी भरना। इतनी जोर से थोड़ी ना कहता। तेरी फरमाइश थी। देख रहा था नंदू, ये सब सपना तो नहीं? ये सपना नहीं है, हकीकत है। और चुटकी मारो। नंदू, मेरी लाइफ सेट हो गई यार। मजा आ गया नंदू, मजा आ गया। लाइफ सेट हो गई नंदू। एंडी सिंह, इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी मैनेजर ने विजू को बुलाया है काको साहब। इसका मतलब है अपना वीजू जल्दी टीवी पर साबुन और तेल बेचेगा। तंदुरुस्ती की रक्षा। साबुन तेल थोड़ा बेचूंगा दादा, मैं तो कार्स बेचूंगा, मोबाइल फोन्स बेचूंगा, शूटिंग्स बेचूंगा। मतलब तू बैट्समैन से सेल्समैन बनेगा। चल देख टाई कैसी बंदी है, देख। बढ़िया दादा। क्यों नंदू, कैसा लग रहा हूं? काको साहब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे चूरन की गोलियां बेचने जा रहा हूं। दाता क्या बात कर रही हो, टाई सूट पहनकर कोई साधारण चूरन थोड़ा ना बेचता है, ये तो इंपोर्टेड चूरन बेचेगा। हाजमे वाले। हाँ, हाजमे वाला। हाजमे वाला। आप लोग हंसिए, मैं चला। कोट पहन तो ले। श्योर सर। I'll send over the contracts to you and you can sign that. And if you have any queries, please get back to me, right? Hi, Mr. Shekhawat. Hi. Welcome. I suppose you all know each other? Yeah. Mr. Jayasurya and Mr. Chandra Mendes. Vijay Shekhawat. Dannod me kawud kiyala. Ah, meya thamai Bradley wenas karapu ekka. Anna hari. Nice meeting you all. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Chale? Ye aunty ji ki clients hai? Yeah. Mr. Singh will join you soon, right? Ji, thank you. All right. Let's do this. Okay. This is one of my favorites. बोल। हाँ, वो वॉच की एंडोर्समेंट का डील ना फिक्स करा देंगे। ठीक है, लेट्स हैव लंच टुमारो। ओके यूवी, बाय। स्ट्रेट आदमी हूं, स्ट्रेट बात करता हूं। पैसा तुम्हें कैसा लगता है? जी, गुड, बैड, अगली? गुड। गुड। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और सबसे रिच स्पोर्ट स्टार बना दूंगा। तुम अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी मार्केटिंग हमारी कंपनी के साथ में टाइप कर दो। ये एक छोटा सा एडवांस। जी मैं। ₹40 लाख? 4 करोड़। मैं तुम्हें इतना पैसा कमा के दूंगा जितना पैसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो इट्स अ डील। जी। प्रिंस ऑफ जैसलमेर, लेट्स सेलिब्रेट। क्या पियोगे? जी मैं पीता नहीं हूं। हम्म,
Well, शुरू शुरू में सभी स्पोर्ट्समैन नहीं पीते। चार? अरे वाह बेटे, क्या बात है बिजू, क्या बात है। देखिए राम सिंह जी, चार करोड़ का चेक है, पूरे चार करोड़। अच्छा है, अब इसे जल्दी से मंदिर में रख दे बेटा। मन में तो लड्डू फूल रहे हैं और कह रहे हो अच्छा है। हाँ। मंदिर में रख। अरे करोड़पति बना दिया राम सिंह जी, करोड़पति बच्चे ने। ताता, एक नया घर लेते हैं, ये काफी पुराना हो गया। अरे नहीं, ये घर तो तेरे दादाजी ने अपने हाथों से बनाया है, मैं तो इसी घर में रहूंगा भाई। तो दादा, एक बड़ी गाड़ी लेते हैं, एक मर्सिडीज। अरे मर्सिडीज गाड़ी का मैं क्या। अच्छा, आप वर्ल्ड टूर पे चले जाओ। हाँ राम सिंह जी, आप लंदन और टोक्यो चले जाइए, हम साथ में आएंगे ना, क्यों चंदर। अरे क्या बावलों जैसी बातें कर रहे हो बेटा, एक काम कर, ये चेक तू बैंक में जमा करा दे, ब्याज आता रहेगा। ब्याज दाता? ताता, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। अरे तू हमारे देश के लिए खेल रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। कैसी बातें कर रहा है ये देखो। दाता, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाता हूँ। अरे मैं नंदू को चेक दिखा के आता हूँ, कम से कम वो तो खुश होगी। अरे मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा भाई, ये कैसी बातें बताओ इसको। नंदू ठीक से देख, पूरे चार करोड़ का चेक है और दाता ने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं। मगर मैं तो ठीक से देख रही हूँ। बस कह दिया कि इसे बैंक में जमा करा दो, ब्याज मिलेगा। ऐसे नहीं कहना चाहिए। वही तो, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। और मैं दाता के लिए क्या क्या सपने लेके आया था, कि बंगला बनाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, ऐश कराऊंगा दाता को। ऐश? हाँ। काकू सा को ऐश करोगे? कैसे? कि जाओ दाता ऐश करो। सॉरी, मुझे तो कितना क्यूट दिख रहा है। नंदू, तू ला मेरा चेक ला। तुम सब जैसलमेर वाले ऐसे ही हो, बाहर जाके देखो मेरी कितनी इज्जत है। एंडी सिंह मुझे प्रिंस ऑफ जैसलमेर कहता है। गुस्ताखी माफ। नंदू, मैं दाता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, समझाना दाता को। सिंपल, देख अब तो तू प्रिंस है, एक फरमान जारी कर दे, दाता जाओ ऐश करो, और दाता की हिम्मत की वो प्रिंस को मना कर दे। नंदू तेरी तो रुक रुक, मैं बताता हूँ। India in all sorts of trouble here. 160 for five, and this boy walks the crease. BJ Shikawa. Badiya shot. Bahut hi lambi hit. Gaind maidan ke bahar aur bahut hi lamba chakka. Vijay dila de aaj victory. Sun dil ki awaaz victory. Rakhte sar pe taaj victory. Victory, victory. India maange aaj victory. और शानदार सेंचुरी की मदद से टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दी करारी हार और ये सीरीज जीत ली 2-0 से। ए प्रिंस, कल रात एक शादी में जाना है, 50 लाख रुपए देंगे, 10 मिनट शक्ल दिखानी है। एंडी, मैं एक क्रिकेटर भांड नहीं। There's been a prince in cricket. There's been a king in cricket. And now we have an emperor in cricket. अल्लाह का शुक्र है मैं रिटायर हो गया, कम से कम विजय शेखावत को बॉलिंग तो नहीं करनी पड़ रही। हाय जना, आप पॉन्टिंग
विजय शिखावत caught behind. कैसा लगा? एकदम हीरो लग सफेद बंदरिया बिजू सिर्फ मेरा है. Gentlemen, to the deal. विजय शेखाव. से सर ऊंचा उठा के ये कह सकता है सारे जहां से अच्छा विजय शेखावत हमारा. If there are any batsman who can break my fastest 50 world record, it is Vijay Shekhar. The winner of the ICC One Day International Player of the Year is Vijay Shikawa. Congratulations, mate. Fabulous. Thank you, everyone. Thank you for this. मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आईसीसी बैट्समैन ऑफ द ईयर मिस्टर विजय शेखावत ने हमारे साथ अपने इस रिश्ते को 3 साल और बढ़ाने का फैसला किया है. Ladies and gentlemen, I'm proud to announce the biggest sports deal ever in India. A deal for rupees 100 crores for 3 years. Andy, तेरे टैलेंट के सामने 100 crore कुछ नहीं है भाई. Fantastic. I now request Mr. Shekhawat to accept an advance of 10 crores. Ladies and gentlemen, I present Vijay Shekhawat to you. All yours. Thank you. 100 crore बहुत ज़्यादा नहीं है? कैसा लग रहा है आपको? भाई 100 crore की डील है, बहुत अच्छा लग रहा है. जेनी, मैंने हीरे देने वाली मुर्गी खरीदी है. 100 crore तो विजय शेखावत मुझे सिर्फ कमीशन में कमा के देगा. और मुर्गी ने हीरे के बदले पत्थर देने शुरू कर दिए तो जैसे हीरे खाने की आदत हो जाए पत्थर कभी नहीं देते. Andy Singh. Andy Singh is like a brother to me. Bhai jaise hain. Love you, my friend. Love you. बेटा खुद जैसलमेर आने की बजाय तूने मुझे मुंबई क्यों बुला लिया? दादा, आप चलिए तो सही. आपके लिए एक सरप्राइज है. जल्दी वापस चलेंगे. टूरिस्ट सीजन है बिजू. दादा आइए ना. दादा इधर, यहाँ. नमस्ते सर. नमस्ते. चलिए ना दादा. जेनी एकदम सिद्धम इन द बोर्ड रूम. होल्ड ऑन. खामा घाड़ी. ये एंडी है. घाड़ी खमा गणी. एंडी घड़ी खमा. ये घर इनका है. आप बस चलिए, आप बस घर देखिए. आइए प्लीज देखिए. हैव अ लुक. ये जिम है. ये घर में सिनेमा है. सिनेमा बहुत बड़ा टीवी है दाता. टीवी. ये बेडरूम है. यहां से पूरा समुंदर दिखता है. अरे कमाल है. मगर ये घर है किसका? वो आपको बाद में बताऊंगा. चलिए इस तरफ दाता. वहां आगे एक छोटा सा.
क्या हुआ दादा? ये शीशे का पुल है दादा, कुछ नहीं होगा, चलिए दादा। वाओ क्या कर रहा है? आंखें बंद रखिए। क्या कर रहा है तू? संभल के मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ से पूरा मुंबई दिखता है दादा। अरे मगर ये तो बता, ये घर है किसका? दादा ये घर आपके बेटे का है, मेरा है। मगर ये कितना किराया देता है भाई? किराया दादा ये मैंने खरीद लिया है। तूने? कैसा लगा आपको आपके बेटे का नया घर? लेकिन एक मिनट, तू अब मुंबई में रहने वाला है? दादा एंडी को लगता है कि अब मुझे मुंबई में रहना चाहिए। वो क्या है ना ताऊ जी, सॉरी मैं आपको ताऊ बुला सकता हूँ ना? ताऊ जी क्या है ना, स्पॉन्सर्स में वीजू की बहुत डिमांड है, शूटिंग्स, मीटिंग्स, इवेंट्स में हिस्सा लेना और फिर क्रिकेट की प्रैक्टिस भी, इस तरह से आना जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या है, फ्लाइट लेनी है और बस पहुंच गए। अरे ताऊ जी थक जाएगा, गेम पर असर पड़ेगा। दादा मैं ये सोच रहा था आप लोगों को बहुत बातें करनी होंगी, आप लोग बातें करें, मैं चलता हूँ। ओके ताऊ जी प्रणाम। दादा आप जैसे मेरे वापसी मचाइए, मैं आपका सामान यहीं मंगवा लेता हूँ। क्या हुआ दादा, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, ये जो एंडी है ना, ये आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, ये आदमी तो ठीक है ना? दादा दादा एंडी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। वो एक फंटास्टिक बिजनेसमैन है और वो मुझे बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह मानता है। आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए बस। क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं ना, और फिर हम छोटे शहर के लोग कभी कभी बड़े शहर की चकाचौंध रोशनी में अपना रास्ता खो बैठते हैं। दादा मैं अपना रास्ता कभी नहीं खोऊंगा, और अगर कहीं खो भी गया ना तो मैं जानता हूं कि आप मुझे ढूंढ लेंगे। देखिए बुड्ढे तो आप हो गए हैं। बुड्ढा होगा तेरा बाप। साहब खाना लग गया है। तेरे लिए किसी ने बहुत स्पेशल चीज भेजी। अच्छा? चलिए ये लो लाल मांस। नंदू ने भेजा है? अपने हाथों से बनाया है। नंदू की तो ये बहुत स्वाद। आहा नंदू। क्या हुआ? डर मिचे दाता। नंदू की तो मैं तो लाल हो गया ना आपका लाल। पागल हो गई है तू। अच्छा जल्दी जल्दी बताना क्या सरप्राइज दिया बिजू ने? बहुत बड़ा घर लिया है उसने, 25 करोड़ का। क्यों, किराए पे देगा? नहीं बेटा, कह रहा था कि अब मुंबई में रहना चाहता है। बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार जैसल में रहना। कमा गणित आता ले, तू उसी से बात कर ले। नंदू, हेलो नंदू, बढ़िया सरप्राइज दिया ना मैंने दादा को। मुझे भी नया घर मुबारक हो विजू। थैंक यू। अच्छा विजू मैं रखती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बाय। सही शौक लगा होगा नंदू को दादा, हमेशा चिढ़ाती थी मुझे। प्रिंस ऑफ जैसलमेर, प्रिंस ऑफ मुंबई, 25 करोड़ का घर सुन के हिल गई होगी बेचारी। अब तक तो पूरे मोहल्ले को बता दिया होगा उसने जैसलमेर फास्ट ललन चाचा। उस दिन विजू को देखकर मैं बहुत खुश था कि मेरा राजा बेटा दुनिया का राजा बन गया था, पर हल्का सा एक डर भी था। विजू को मुंबई में एंडी के साथ अकेला छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। या विजय शेखावत विल बी देयर। विजू हाँ, कल का एक शो कंफर्म कर दिया। कल? यप, कल से मेरा कंडीशनिंग कैंप शुरू हो रहा है एंडी। हाँ तो मिस कर दे एंडी। इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? तू एक काम कर, तू सिर्फ क्रिकेट खेल और richest स्पोर्ट्समैन बनने का सपना छोड़ दे। There's a difference between a sport and a game जो तू कभी नहीं समझेगा। जेनी कैंसिल द ब्लडी शो। Hey, can you send us some drinks, please? Stop. एंडी ये क्या हो रहा है यार? मैं कोई लड़की हूँ या इस तरह मुझे मेकअप और ये क्लिप्स? मैं क्रिकेटर हूँ यार।
स्टॉप कमान कमान विजय यार, 1 करोड़ दे रहे हैं तुझे, 1 करोड़ के लिए तो मैं कैबरे डांस कर दूं। महबूबा महबूबा मैं 12 विजु विजु विजु, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे स्टार बना दूंगा, स्टार प्रिंस प्रिंस, देख तेरी सल्तनत, देख लुक, हर तरफ सिर्फ तू ही तू है, just you my friend. Yeah, Andy, Vijay, I love Shekhar, you Andy, big star, yes yes, mera bhai duniya ka sabse bada star hai. Ha Viju, Nandu so rahi thi kya? Dot, tu kehti thi na Nandu ki tera bhagwan charo taraf hai, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं नंदू, वहां चारों तरफ सिर्फ मैं हूं नंदू, मैं, तेरा भगवान कहीं नहीं है। विजु, तूने शराब पी है क्या? हाँ भगवान, भगवान विजय नंदू, देख आंटी क्या कह रहा है, कह रहा है भगवान विजय शेखावत, भगवान विजय शेखावत, आई एम गॉड नंदू, विजय शेखावत भगवान है, आई एम गॉड। शून्य पर आउट हुए विजय शेखावत, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है पूरे स्टेडियम में, और विजय शेखावत भी विकेट की तरफ देख रहे हैं, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है, और अतुल उनके लाइफस्टाइल से पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि वो खुद को अपनी टीम से और क्रिकेट से बड़ा मानने लगे हैं। इट्स द पावर ऑफ, ओह तू यहां है, कहां जा रहा है? मैं नेट्स पे जा रहा हूं। मुझे प्रैक्टिस करनी है। अरे यार मैच नहीं खेलना, मैच तो मैं आंखें बंद करके खेल सकता हूँ। Well, it's turned into a nightmare of a series for Shekhawat. What's happening to Vijay Shekhawat, Shreddy? Relax, Mohitma. चांद भी घटता है, बढ़ता है, सूर्य को भी कभी कभी ग्रहण लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। की कोशिश पूरी तरह से चूक है और स्टंप। हाँ खमागणी दादा। बेटा आज तू फिर से जीरो पर आउट हो गया, तेरा ध्यान नहीं था खेल में। एक्सक्यूज मी दादा, आप भूल रहे हैं, मैं अब टीम इंडिया के लिए खेलता हूँ, राजपूताना क्लब के लिए नहीं। मुझे पता है मुझे कब प्रैक्टिस करनी है। अब दादा मुझे आंटी का फोन आ रहा है, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। One good game and bang! Vijay will be back. Ball in! Green ball! Ball is gone! Oh, this is sad. Sakar's bad form continues. मुझे भूख नहीं है। हमारा सवाल था क्या विजय शेखावत के रंगीन लाइफस्टाइल का असर उनके खेल पे पड़ा है? 73.5% दर्शकों का मानना है हाँ। तो श्रीमान विजय शेखावत आप संभल जाएं। क्यों सुन रहे हैं इनकी बकवास को? खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरों से जलते हैं। कह रहे हैं तेरा करियर खराब हो गया, कैसे? 20 करोड़ के एड के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए प्रिंस हमने इस महीने। वाह, ओ खामा घाड़ी ताऊ जी, खामा घाड़ी दादा। तो ये सिखा रहा है तू मेरे बेटे को? निकलो यहां से,
निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकलो, निकलो यहाँ से। I mean, what? दादा क्या हो गया आपको? एंडी तुझे क्या हो गया है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा ये कमीना पैसे के चक्कर में तेरी गेम बर्बाद कर रहा है? आप भी उन टीवी वालों की तरह बात कर रहे हैं दादा। कुछ गेम्स क्या खराब खेली मैंने, सब मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे कि इंडिया में भूचाल आ गया हो। दादा जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है वो आज भी मुझ पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बातें तू बोल रहा है? बचपन से तूने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि तू इंडिया के लिए खेलेगा। क्या ये सपना सिर्फ तूने पैसे कमाने के लिए देखा था? आपको पैसे से इतनी नफरत क्यों है दादा? क्योंकि पैसे ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है। चल सामान बांध और चल मेरे साथ जैसलमेर। जैसलमेर? आप मुझे वापस उस रेगिस्तान में ले जाना चाहते हैं जहाँ से भाग कर मैं यहाँ आया हूँ? यहाँ मेरे पास सब कुछ है दादा, जैसलमेर में क्या है? ये तेरी नहीं, उस दलाल एंडी की जबान है। आप हमेशा एंडी को क्यों गाली देते हैं दादा? आज उसकी वजह से मेरे सारे सपने पूरे हुए। आज एंडी की वजह से मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे कि मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। अगर आप मुझे ये सब दे सकते हैं तो मैं आपके साथ जैसे चलने के लिए तैयार हूं। नहीं बेटा, तेरा ये गरीब बाप तेरे लिए एंडी सिंह नहीं बन सकता है। कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं आप दाता? तेरे पास तो बहुत पैसा है ना बेटा, जा उन पैसों से अपने लिए एक नया दाता खरीद ले। दाता, जा रहे तो जाइए, सब जाइए, सब जाइए, सब जाइए। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। जैसलमेर में क्या है? आज एंडी की वजह से मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे कि मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं, खरीद सकता हूं। अगर आप मुझे ये सब दे सकते हैं तो मैं आपके साथ जैसलमेर चलने के लिए तैयार हूं। जैसलमेर में क्या है? हां नंदू काकू साहब कैसे हो? बोल नंदू। तेरे जैसा खुदगर्ज मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे पता है काको साहब सड़क पर घूम रहे हैं रोते हुए? जरा भी शर्म होना विजु तो डूब मरो। नंदू बकवास मत कर, तुझे कुछ नहीं पता, शुरुआत मैंने नहीं की थी। चुप कर विजु, चुप कर। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त माना था। क्या स्पीड है? 100 सर। 120 सर, मगर आपने पैड नहीं पहने हैं। 130 140 सर क्या हुआ? सर सर आप ठीक हैं? सर विजय जी, यू हैव व्हाट वी कॉल अ हर्निएटेड डिस्क बिटवीन L4 एंड L5। प्लीज जरा सिंपल तरीके से बताओगे? मतलब तुम्हारी कोई पुरानी स्पाइन इंजरी है जिसे आज तुमने एग्रीवेट कर दिया है। तो ज्यादा सीरियस नहीं है ना? वेल नथिंग टू वरी अबाउट। तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? हाँ, नो क्रिकेट फॉर 4 to 6 months एंड कंप्लीट बेड रेस्ट। मैं कुछ पेन किलर्स लिख देता हूँ। That should do the trick.
मुझे बोर्ड को अपनी इंजरी के बारे में बताना होगा। फिर वो तुझे टीम से निकाल देंगे। पिछली दो सीरीज में तेरी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें तो बहाना चाहिए तुझे टीम से बाहर फेंकने का। एंडी तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, मुझे रेस्ट के लिए बोला गया है, 4-6 हफ्ते की बात है। 4-6 हफ्ते? अरे क्रिकेट में 4-6 दिन में जिंदगी बदल जाती है। बोर्ड तुझे किसी दूसरे खिलाड़ी से रिप्लेस कर देगा। बाई चांस अगर वो खिलाड़ी अच्छा खेल गया तो तेरी जगह तो गई ना टीम से, तू चले जाना वापस जैसलमेर। बकवास कर रहे तू एंडी। बकवास? कितने साल लगे थे तुझे इंडियन टीम में आने में? 7 साल। और अब तू 7 साल बैठकर इंतजार करना वापस टीम में आने के लिए। और ये घर, ये कार, सब चला जाएगा, एवरीथिंग। सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, स्पॉन्सर्स अपने पैसे वापस मांगेंगे, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब तक विजय शेखावत टीम इंडिया के लिए खेलेगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है। अब ये डिसीजन तेरे हाथ में। This is going to be one hell of a tough series for the South Africans. Let's not forget what happened last time, Pat. India beat you South Africans 4-1. But remember, Dino, the last time Vijay Shekhawat had really good form. True, he did. But at the moment, he's failing now. He's failed against England, he's failed against the Australians and against Sri Lankan. Now, he has to put up and perform. The aggressive South African Andre Nyong. Oh, big swing and a miss there. Look at the bounce, lots of bounce. Oh, he's got to do something about that, Dino. Oh, big shot here. It's in the air. Morton catches it. Oh, great catch. India in trouble. Vijay, what are you doing? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? Absolutely fine, coach. मुझे ऐसा लग रहा था कि कल के मैच में तुम थोड़े uncomfortable थे. I hope you're okay. कुछ नहीं, हल्का सा muscle strain था. Absolutely fine. Opal, lots of bounce, lots of pace. Oh, he's got him down. Smith, good delivery, he's going! He's going for a cut! Great catch, look at the position of him. Oh, he's gone for 13 stumps! Oh, dear, Pat, is this the same guy who dominated against the South Africans last season? Can't believe it, cannot believe it. Either can I, mate. Vijay Shekhawat pichle 20 matchon mein lagatar flop rahe hain. क्या आप उन पे अब भी भरोसा करते हैं? बिल्कुल, absolutely. जैसे आप जानते हैं कि form is temporary, but class is permanent. और मुझे पूरा विश्वास है कि विजय शेखावत बहुत जल्द धमाके के साथ वापस आएगा। हेलो दादा, आपकी आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा था दादा। माफ कीजिएगा, आपने गलत नंबर लगा दिया। ये एनडी सिंह का नंबर नहीं है। यार इसकी इंजरी तो और भी खराब हो गई है। आई गेस अब सर्जरी तो करनी पड़ेगी। बिट कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन। नीरव यार, ये सर्जरी के बारे में विजय को मत बताना। वेल, कभी ना कभी विजय को बताना। लेट मी टेक केयर ऑफ दिस। नथिंग टू वरी प्रिंस। नीरव तुझे पेन किलर इंजेक्ट करना सिखा देगा। यू विल मैनेज। एंडी, तेरे लिए बात करना बहुत आसान है। दर्द मैं सह रहा हूं, कोच से झूठ मैं बोल रहा हूं। कम ऑन प्रिंस, बस एक सीरीज की बात है। जहां इतना बर्दाश्त किया, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले। एंड सून वी विल बी रॉकिंग। टाइगर है यार तू। पाकिस्तान की टीम में 4 मैचेस की सीरीज सभी निगाहें विजय शेखावत में। पिछली 3 सीरीज से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या ये सीरीज में कुछ कमाल दिखाएंगे? दबाव है। सोहेल तनवीर की गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील और विजय शेखावत आउट। दूसरे मैच में शोएब मलिक की बॉल पर बहुत ही खराब शॉट खेलने की कोशिश। कैसा खेल रहा है? निकालो साले को टीम से बाहर।
पे रॉकस्टार की गेंद और तीन गोल्ड। विजय शेखावत फिर से खेल। क्या विजय शेखावत का सूरज डूब गया है? क्या उनके करियर की पारी खत्म हो गई है? ऐसे कई सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है। The question is विजय शेखावत bad from temporary or is it permanent? विजु, कोच, कल do or die मैच है। अगर कल हार गए तो गई सीरीज। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और प्लेयर को खिलाऊं, बट आई एम कंप्लीटली सपोर्टिंग यू बिकॉज आई ट्रस्ट यू। सीरीज का ये आखिरी मैच और हर इंडियन फैन चाहता है कि मैच भारत जीते, जैसा कि आप जानते हैं। पर अच्छी खबर ये फैंस के लिए कि विजय शेखावत की फॉर्म वापस है। 20 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय, और एक और बेहतरीन छक्का उठा दिया स्पिनर के ऊपर से, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आज नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल वापस है। थोड़ी सी थकान नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया छह रन बिल्कुल बैट के बीच में। बहुत ही मजे हुए गेंदबाज हैं शोएब मलिक, पर आज विजय शेखावत की फॉर्म के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही। उसी बीच ऑफ के बाहर रूम मिला और उठा के मार दिया थर्ड मैन पे एक और चौका। एक बार फिर से उठा के मारा है लॉन्ग ऑफ पे। सभी गेंदबाजों की भुलाई है, और आज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मनिंदा, मुझे लगता है कि भारत को इस सीरीज में वापसी जरूर करवाएंगे। बिल्कुल कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास जब भी उन्होंने शॉट लगाई, लेकिन इस समय अगर देखें जिस तरह से अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उनकी कमर में थोड़ी सी परेशानी। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज जो पाकिस्तान खिलाड़ी की ये है कि ये मैच अब बिल्कुल कब्जे में आ चुका है। विजय शेखावत ने निराश किया एक बार फिर से अपनी टीम को और अपने सपोर्टर्स को, अपने फैंस को, सिर्फ चेंज से रन आउट। जिस तरह से अपनी कमर पर हाथ लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फिटनेस प्रॉब्लम। विजय शेखावत की गैर जिम्मेदाराना पारी की वजह से भारत पाकिस्तान से ये सीरीज हार गया है। अब इस टीम में विजय के लिए कोई जगह नहीं। अब नहीं विजय शेखावत, अब और नहीं। अरे तूने तो आज हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया। जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है, और वो बुलंद आवाज आज कह रही है विजय शेखावत आउट। यू गो। क्या बात है विजय, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? ये मेरा मंदिर है आंटी, और मैंने इस मंदिर में पाप किया। हाँ तो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? सीजन खत्म हो गया, आराम से अपना इलाज करवा ले। आंखें बंद करता हूँ तो उन सबके चेहरे नजर आते हैं मुझे जिनसे मैंने झूठ बोला है। नींद नहीं आती मुझे। अरे यार नींद की गोली खा ले, कम चल चल। मैं कोच को बताने जा रहा हूँ। विजय तू पागल हो गया? एंडी मैंने गलती की है, और इस गलती का पश्चाताप मुझे करना पड़ेगा। यू पश्चाताप? तू खुद तो फंसेगा, साथ में मुझे भी डुबोएगा। मैंने तेरे ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं अपने पैसे को डूबने नहीं दूंगा। बस कर एंडी, बस कर। इस पैसे के चक्कर में मैंने अपने देश, अपनी टीम और अपने दाता को धोखा दिया है। भाड़ में गई तेरी टीम, तेरा देश, तेरा दाता। भाड़ में गया तू एंडी, भाड़ में गया तू। कोच, आपको मेरा मैसेज मिला? कोच, मैं आप मुझे शर्म आ रही है इस बात पर कि मैं विजय शेखावत जैसे गद्दार खिलाड़ी का मैनेजर हूं। आज से 3 महीने पहले डॉक्टर नीरव शाह ने विजय शेखावत को अपनी पीठ की सर्जरी कराने की सलाह दी थी। कोच, मैं आपको बताने ही वाला।
लेकिन विजय शेखावत ने ये सच क्रिकेट बोर्ड से छुपाया, अपने कोच से छुपाया और क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने ये सच मुझसे भी छुपाया, अपने मैनेजर से। उनकी इस इंजरी की वजह से हमारे देश की टीम को बहुत सारी हार का सामना करना पड़ा। ये गद्दारी उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए की। हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा विश्वास बनता है कि मैं ये सच सबके सामने कहूं, ताकि विजय शेखावत जैसे गद्दार खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। यही बात तुम चुप। काको साहब, बीजू ने तो मुझे जीते जी ही मार दिया था। भीड़ ने तो बस आग दी थी उस चिता को, जिसमें मेरे सपने थे, मेरा सम्मान था, वो सब कुछ था जिसे मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से कमाया था। था मेरे बैच से बना हर रन और पिच पे बिताए हर पल का शो सिर्फ आपको जा रहा है। ये सब कैसे हो गया काका? खुद करके पूछते हो? आओ शकुंतला चलो। काकी दादा शकुंतला चलो। हेलो मिस्टर विजय। जी सर। आई एम डॉक्टर विकास अग्रवाल। जी प्लीज कम। अरे ऐसा बेटा होने से बे औलाद होना अच्छा है। अरे पूरा जैसलमेर का नाम मिट्टी में मिला दिया। अच्छी राम साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट साइड को लकवा मार गया है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनकी उम्र के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एक बात जरूर है, आपके पिताजी बड़े ही मजबूत आदमी हैं, क्योंकि इस तरह के अटैक से इंसान सीधा कोमा में चला जाता है या फिर कभी। क्या मैं अपने दादा को देख सकता हूँ प्लीज? जी थैंक यू। कम ऑन विजय, कम इन। राम सिंह जी देखिए कौन आया है आपसे मिलने। दादा को क्या हो गया नंदू? जा।
अपने बाप को शेखावत के स्कैंडल के कारण हमारी कंपनी को, हमारे स्पॉन्सर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसलिए हम उस पर 50 करोड़ का दावा कर रहे हैं। ऐसा तो सोचा ना था ऐसा भी हो जाएगा, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया है कि विजय शेखावत को टीम इंडिया से तुरंत सस्पेंड किया जाए और 6 महीने तक के लिए उन पर कोई भी इंटरनेशनल मैच खेलने पर बैन लगाया जाए। एक हफ्ते में वापस आना है चेकअप के लिए। आइए काका साहब। विजय,
ये एक सिविल केस है, इसे तो मैं 10-12 साल ऐसे ही घसीट लूंगा, एंड में तुम्हारा वो फ्रॉड एंडी सिंह वो सेटलमेंट कर लेगा। मुझे कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए, एंडी सिंह को जो चाहिए आप दे दीजिए। स्टॉप बीइंग इमोशनल विजय, तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे, एक पैसा नहीं बचेगा तुम्हारे पास। एक पैसा नहीं चाहिए मुझे उस गंदी कमाई का। नंदू, मैं बहुत अकेला हूं नंदू, कम से कम तू तो मुझसे बात कर ले प्लीज। नंदू माफ कर दे मुझे, छोड़ो मुझे। कब तक अपने आप को अंधेरे में एक कायर की तरह छुपाता रहेगा? तू चाहता है मैं तुझे माफ करूं, दादा तुझे माफ करे, तेरी टीम तेरे फैंस तुझे माफ करे, तो माफी मांगना छोड़ और कुछ करना। साबित करके दिखा कि तूने सिर्फ पैसे के लालच में आकर एक बेवकूफी, एक भूल कर ली, जिसका पश्चाताप तू करने को तैयार है। उठा बैट और दोबारा खेल। नंदू, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं तो भूल ही गई थी कि विजय शेखावत सिर्फ पैसे के लिए खेलता है। बस कर नंदू, मैं चाहकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकता। मेरी पीठ ने जवाब दे दिया, मुझे सर्जरी की जरूरत है और मेरे पास पैसे नहीं। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो क्या उसे एक और मौका मिलना चाहिए दादा? अगर उसे अपनी गलती का एहसास है तो विजू की मदद करो ना दादा। काको साहब, मैं विजू को ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रही हूँ उसकी पीठ की सर्जरी के लिए। विजू फिर से क्रिकेट खेलना चाहता है। काको साहब, आप एक बार मिल लो विजू से। नंदू बेटा चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया, चलो। There's nothing to worry about in the surgery, Vijay. You'll be home in 2 weeks. Now you can relax, Vijay. You're in the very best of hands. Thank you, Dr. Smith. Anything for you, Brett? Thank you. Thank you so much, Brett. What? You think I'm doing it for you? I'm just getting you fit so I can kick your butt down the pitch. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Don't worry, Viju. Just relax. Sab theek ho jayega. हेलो। हेलो माँ। भगवान को लोग भूल। हाँ बेटा। अच्छा सुनो माँ, ऑपरेशन ठीक हो गया है और विजू को होश भी आ गया। करनी माँ का शुक्र है बेटा। माँ काकोसा को ये बात बता देना। हाँ 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 अभी बताऊंगी। अच्छा माँ मैं रखती हूँ, मैं बाद में फोन करूंगी। तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनिए, नंदू का फोन था। सब ठीक ठाक तो है? हाँ भाई साहब,
नंदू कह रही थी कि विजू का ऑपरेशन एकदम ठीक ठाक हो गया। राम सिंह जी बहुत बहुत बधाई हो, अपना विजू ठीक ठीक है। No discomfort? No, better. Good, good. Sorry, Vijay, I'm breaking all hospital rules here, but can you do me a favor? Uh-huh. My son John is a crazy fan of yours, and he absolutely wanted to meet you. Yeah, sure. One moment. Come in, little fella. Wow, Vijay, I really love your hook shot. Can I please have your autograph? Of course you can. Vijay Shekhawat. Boom. Thanks. You're welcome. Can I also shake your hand? There you go, doctor. Thanks, Vijay. Have a good day. Bye, Maria. Bye, doc. पे लगा 6 महीने का बैन अब खत्म होने वाला है और उनकी रणजी एवरेज है 76. He is in top form right before Airtel Champions Trophy. क्या वो टीम इंडिया में दोबारा लौट सकते हैं? चलिए सिद्धू जी से ही पूछते हैं। मोहतरमा, एक पत्थर चोट खाके कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहके शंकर शंकर हो गया। What a dramatic comeback in the man's life. Remarkable, absolutely outstanding. कुछ क्या है कोच? अगर तुम अपने सिलेक्शन के बारे में बात करने आए हो ना, जस्ट फॉरगेट इट। आई एम सॉरी कोच, मैं बस यही कहने आया गया। ए प्रिंस, सुपर शॉट। वाओ, That's a lovely shot. Hey Prince, पिछली बातों को भूल के एक नई इनिंग स्टार्ट करते हैं। Once again, Andy and Vijay together. Prince, देख विजय, तेरा इंडियन टीम में वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन तेरा दोस्त एंडी तुझे वापस ला सकता है। तू फिर इमोशनल हो रहा है? अरे अभी तक तेरे दाता का भूत निकला नहीं है क्या? पिछली बार तो तेरे दादा ने ऐसे खबरदार जो तूने दाता का नाम लिया, आज तेरी वजह से मेरे दाता का ये हाल है। एंडी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। Excuse me, I'm sorry, no comment. No comment, no comment, no comment, I'm sorry. क्या टीम में उन्हें जगह मिलेगी? अभी अभी टीम इंडिया के कोच दिलीप मल्होत्रा मुंबई के इंटरकॉन्टिनेंटल द ग्रैंड होटल में पहुंच चुके हैं, जहां सिलेक्शन कमेटी मेंबर आज एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम की घोषणा करने वाले हैं। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के मन में बस एक ही सवाल है, क्या विजय शेखावत को दोबारा टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा? यूसुफ पठान, रोहित शर्मा, रोबिन उत्तपा, सुरेश रैना, मुरली कार्तिक, ईशांत शर्मा, प्रवीण कुमार, मुनाब पटेल। और विजय शेखावत का क्या सर, हम उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम विजय शेखावत को खिलाना चाहते हो? जेंटलमैन, हाउ कैन वी ट्रस्ट हिम? बट उसकी जो फॉर्म अभी चल रही है, इंडिया नीड्स हिम। एग्जैक्टली, 70 का एवरेज है उसका। तो ले आओ सारे चोर चक्कों को टीम में। सॉरी मिस्टर चेयरमैन, दीज आर पर्सनल अटैक्स। जेंटलमैन, लेट्स टेक ए वोट। ऑल दोस In favor of Vijay Shekhawat, please raise your hands. The Indian team for Airtel Champions Trophy is Dinesh Karthik, Suresh Raina, Rohit Sharma, Harbhajan Singh, Praveen Kumar, Yusuf Pathan. Viju, dear, no more tear. Tera selection ho gaya clear. Prabhu ne diya his prasad. चैंपियंस ट्रॉफी जिंदाबाद मेरे भाई।
दादा मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं दादा कि आपको आपका बेटा वापस मिलेगा। काकोसा आप ही हमेशा कहा करते थे ना कि इंसान हमेशा दो जिंदगियां जीता है, पहली जब वो जिंदगी जीना सीखता है और दूसरी जब सीखी हुई जिंदगी जीता है। बिजू अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने जा रहा है आपके लिए। कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हो काकोसा? जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत की बेहतरीन 8 टीमें लड़ेंगी इस खूबसूरत ट्रॉफी के लिए। इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले ग्रुप ए में रहेंगे इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, और ग्रुप बी में होगा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच। और कल खेला जाएगा पहला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच। 2 बढ़िया टीमें, एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। और इस पूरी एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का मजा और आंखों देखा हाल लाइव आप देख रहे हैं न्यू क्रिकेट पे। माँ जल्दी करो, मैच शुरू हो गया। दिनेश कार्तिक, यूसुफ पठान, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह और आज के मैच के 12th मैन रहेंगे विजय शेखावत। अगले मैच में विजय जरूर आएगा, देखना। And I'm sure. नवाज लेफ्ट ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फिर से गुड लेंथ पे बॉल और बल्लेबाज ने डिफेंसिव तरह से खेल दिया। शर्मा की शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया की श्रीलंका पे शानदार जीत। विजू तू तो पहले से ही जानता था कि रास्ता आसान नहीं है। प्लीज हिम्मत मत हार, देखना सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। रखता हूं नंदू। शर्मा के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दी करारी शिकस्त। डिमित्री मेस्कलेनस तैयार गेंदबाजी के लिए, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है रोहित शर्मा ने 4 रन के लिए, और इसी 4 रन के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के 108 रनों की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड पर टीम इंडिया की शानदार जीत। अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से सेमीफाइनल्स में होगा। कांटे की टक्कर रहती है जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होते हैं, और आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। विजय शेखावत आज के मैच में भी 12th मैन रहेंगे। टीम इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है कि अपनी जगह नहीं बना पा रहे 11 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन भारत ने 2 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। बुरी खबर, स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा चोट लगने की वजह से एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे। तो सिद्धू जी, क्या लगता है आपको कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? सिर्फ और सिर्फ विजय शेखावत। हेलो सर, सब अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। जानता हूं कोच, कुछ साल पहले आपके पास एक लड़का आया था। आपने उसके जोश और जुनून को देख के उसे एक मौका दिया था टीम इंडिया में खेलने का।
लेकिन वो लड़का भटक गया और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यकीन तोड़ दिया उसने आपका। हक तो नहीं है कुछ, लेकिन वो लड़का आपसे फिर एक मौका मांग रहा है टीम में खेलने का, और आपसे वादा करता है कि इस बार वो आपका यकीन नहीं टूटने देगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए कोच, सिर्फ एक मौका। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल का फाइनल विजय शेखावत खेलेगा। थैंक यू। हाँ विजय। नंदू मैं कल फाइनल खेल रहा हूँ नंदू। क्या? हाँ। ऑल द बेस्ट विजय। हाँ नंदू। देश के लिए खेलने जा रहा है, सीने से लगाकर रखना। रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक की साझेदारी ने जान डाल दिया मैच में, रोमांचित कर दिया भारतीय फैंस को। ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर 388 के जवाब में भारतीय टीम अब 150 पे चार। नंबर बहुत जरूरी है भारत के लिए इस साझेदारी का बने रहना। स्कोर 107 पर 4 और साइमन कार्टिस अपनी अगली बॉल के साथ पुल कर दिया इसे एक और रोप्स के ऊपर से 6 रन। कार्तिक ने आके जो साथ निभाया है उथप्पा का वो काबिले तारीफ है, और इस जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता था अगर ये मैच जीतना है भारत को, क्योंकि इसके बाद आने वाले बैट्समैन है विजय शेखावत, जिन्होंने की अपना आखिरी मैच खेला था 6 महीने पहले। देख लीजिए अगली गेंद मौसम के बाद फ्लैट करने की कोशिश, बाहरी किनारा और बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। 75 रन बनाए रॉबिन उथप्पा ने और 5वां विकेट खो दिया भारत ने 170 रन के स्कोर पर। अभी भी 218 रन की दरकार है भारत को, औसत चाहिए लगभग 9 रन की। एक बार फिर से मुसीबत में भारत। अब विजय शेखावत आएंगे बैटिंग करने, 6 महीने के बाद उनको पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है विजय शेखावत के सामने, क्योंकि 9 रन से भी ज्यादा की औसत चाहिए और ऐसे दबाव में इस औसत का पीछा करना आसान नहीं रहता, और खासकर से ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसको काफी दिनों से अनुभव ना हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। पहली बॉल का सामना करेंगे विजय शेखावत, ब्रेटली तैयार। पहली बॉल 6 महीने के बाद, और ऐसा लगता है जैसे ब्रेट ली को भी पता है क्योंकि काफी टाइम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दबाव होगा उनके ऊपर अच्छा खासा, जमानी होगी पहले। बहुत ही जबरदस्त छक्का, ऐसा लगता है मनिंदर ने एक ही गेंद में अपनी आंखें जमा ली है शेखावत ने, और ब्रेट ली जैसे गेंदबाज को ऐसी शॉट लगाना कोई आसान काम नहीं, और अगर भारत को ये मैच जीतना है तो ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी। भारत का स्कोर हो गया है 211-5। बहुत ही मैच्योर पारी खेली दिनेश कार्तिक ने, क्योंकि अब भी जरूरत है भारतीय टीम को 9 रन का। शॉट खेल दिया सेंचुरी का रिकॉर्ड बाउंड्री। भारत 232 पे 5, अभी 156 में चाहिए 104 गेंदों में। फास्टेस्ट
टूट क्लॉक की अगली गेंद और उठा दिया है विजय शेखावत ने 6 रन और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। चार चौके और 4 छक्के लगाए इस पारी में विजय शेखावत ने और बहुत ही भाग्यशाली है जिस किसी ने विजय पारी देखी है। बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है कि ये पारी जो है शायद अब विश्वास दिला देगी भारतीय टीम को कि ये मैच जीता जा सकता है। तो 9 रन की औसत मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत मैच्योरिटी से बल्लेबाजी की है विजय शेखावत ने। इसी के साथ एक खूबसूरत सिंगल चौके और छक्के तो लगाए हैं पर खास तौर से सिंगल्स लेने से भी चूके नहीं विजय। कार्तिक पहुंचे 64 रनों पे और इस धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल, और जितनी तारीफ करें इन दोनों खिलाड़ियों की उतनी कम होगा क्योंकि 116 रन की पार्टिसिपेशन है। कार्तिक आउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, 64 रन बनाकर आउट हुए कार्तिक। छठा विकेट खो दिया भारत ने 286 रन के स्कोर पर और अभी भी 102 रन चाहिए भारत को सिर्फ 62 गेंदों में, लगभग 10 रन प्रति ओवर और सिर्फ 4 विकेट हाथ में। अगले खिलाड़ी अब क्रीज पे आ रहे हैं भारत के लिए, यूसुफ पठान। वैसे तो माना जाता है महेंद्र गेंदबाज हैं पर मुझे लगता है कि इनमें दम है बल्लेबाजी करने का। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन देखना ये इनकी स्पेशल सिचुएशन में आकर रहते क्या कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। पहली बॉल का सामना करेंगे ब्रैड हॉक की, यूसुफ पठान हैट्रिक का मौका वहां पर ब्रैड हॉक के लिए और जितने दर्शक यहां पर मौजूद मैदान पर बहुत ही निराश। यही खासियत है ऑस्ट्रेलियन टीम की महेंद्र, जब हारते हारते वो एक ऐसी वापसी करते हैं कि दूसरी टीम की कमर तोड़ देते हैं, निराशा सबके चेहरों पे। रवि कुमार की अब जिम्मेदारी है कि हैट्रिक ना होने पाए, बहुत जरूरत है एक साझेदारी की, कुछ साथ दें विजय शेखावत का क्रीज पे। समझदारी दिखानी होगी, ब्रैड हॉक तैयार, हैट्रिक बॉल बैकफुट पे और बचा ली हैट्रिक प्रवीण कुमार ने, समझदारी दिखाई कि बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। तो स्कोर अभी भी 286-7। तो अगर इक्वेशन देखी जाए महेंद्र तो बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं, हालांकि भारत ने 2 विकेट थोड़े ज्यादा खर्च दिए। वहीं पर इक्वेशन गलत हो गई अतुल, क्योंकि 2 विकेट ज्यादा खो दिए हैं, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी देख रहा है विजय शेखावत के ऊपर इस तरह की करते शेखावत ग्रेटली एकदम से उनके पास आए, ऐसा लगता है जैसे बहुत जोर से चोट लगी है उनको और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है इंडियन टीम के लिए। इस एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी में खून निकल रहा है उनके माथे से। ग्रेटली भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं महेंद्र, पर कई बार ऐसा देखा है कि जो डिफरेंस रहता है पीक में और वाइजर के बीच में से कई बार बॉल वहां से निकल जाती है खतरनाक इंजरी और जिस जगह लगी है वहां से मुझे लगता है कि खून के अलावा देखना ये होगा कि असर पहुंचा है। कई बार इस जगह बॉल लगने पे बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है। बिल्कुल, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब टेंपल पर चोट लगे अतुल तो फोकस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर दोबारा बैटिंग करने आ भी सकते हैं या कर भी सकते हैं। सो देखना ये होगा कि कितनी उनको चोट आई है और क्या वो दोबारा बैटिंग कर पाएंगे इस मैच में या नहीं, और अगर दोबारा बैटिंग नहीं कर सकते तो ये मैच हम कह सकते हैं भारत की मुट्ठी से निकल चुका है। और अब पंकज सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने, अभी भी भारत को 75 रन चाहिए 47 गेंदों में और एलेंडर्स के बलबूते पे ये मैच जीत पाना लगभग संभव है। आहिस्ता भारत मुसीबत में, पंकज सिंह तैयार ब्रेटली का सामना करने के लिए।
सीधी गेंद और बचा लिया पंकज सिंह ने अपने आप को। मनिंदर गेल एंडर्स के लिए ब्रेटली जैसी गेंदबाज को ये बेहोश हो चुका है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अलोक, गेट एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। यहाँ पे प्रवीण कुमार और पंकज सिंह कोशिश हालांकि बहुत कर रहे हैं, अब टेल एंडर्स से लगभग 12 रन प्रति ओवर की उम्मीद रखना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल नामुमकिन सा है ये। सर आपसे कोई बात करना चाहते अभी कोई इंटरव्यू नहीं। ओके सॉरी। हेलो या हेलो, मैं विजय की फ्रेंड बात कर रही हूँ। विजय कैसा है? मैम इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप बाद में फोन कीजिएगा प्लीज। मैं हेलो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं इस मैच को लेके, क्योंकि विजय शेखावत को क्रीज से हटाने के बाद उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। विजय विजय लेट जाओ। विजय स्कोर क्या है? अरे तुम स्कोर के बारे में मत सोचो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हो तुम? साइमन वेयर इज द ब्लडी एम्बुलेंस? अब तो केवल औपचारिकता सी रह गई है अतुल इस मैच में, क्योंकि ब्रेटली तैयार गेंदबाजी करेंगे प्रवीण कुमार को। ढीले हाथों से खेला, सिंगल चुरा लिया, तो यह बात साफ है कि भारतीय टीम बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा रही और बाल बाल बचे। विजय क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर मुझे एक और पेन किलर दे दीजिए। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूं। विजय रिक्वायर्ड रन रेट 11 से ऊपर जाता हुआ और बिना विजय शेखावत के ये रन बनते नजर नहीं आ रहे। खबर ये मिली है शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाए, खराब बॉल थी लेग स्टंप के बाहर। तुम बेवकूफी कर रहे हो विजय। डोंट गेट इमोशनल। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? देखिए ना सर, ये सुनता नहीं है। सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं खेलना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो विजय। सर इसे कोई इंटरनल इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी जान को खतरा हो सकता है। सर मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, कोच प्लीज मुझे खेलने दीजिए। प्लीज आई कैन नॉट अलाउ दिस। सर वो मेरा डिसीजन है। तुम्हारा नहीं, ये डिसीजन मेरा है, इस पूरी टीम की जिम्मेदारी मेरी है, एंड माय फाइनल डिसीजन इज कि तुम नहीं खेलोगे। कोच प्लीज, कोच प्लीज, बस विजय बस कोच, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। भारत इस मैच में पिछड़ता हुआ 324 पे 7 टोटली गोल्ड। पंकज सिंह संभाल नहीं पाए इस गेंद को स्कोर क्लॉक की और ये मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की झोली में। अब कोई मौका नहीं है भारत के पास इस टारगेट को अचीव करने का, क्योंकि 388 रन चेस करने हैं, 8 विकेट खो दिए हैं और विजय शेखावत इंजर्ड होकर वापस लौट चुके हैं। मेरे हिसाब से तो ये ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में है। तो अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के हो चुका है 12 रन प्रति ओवर और ऐसा लगता है कि भारतीय सपोर्टर्स ने भी हार मान ली है, क्योंकि स्टेडियम धीरे धीरे खाली होता चला जा रहा है और इसी बीच स्टुअर्ट क्लार्क की गेंद, कोई रन नहीं। ब्रैड हॉग का सामना करेंगे प्रवीण कुमार और कोई रन नहीं और अब रिक्वायर्ड रन रेट 14 से ऊपर निकलता हुआ, भारतीय खेमे में निराशा का माहौल। गेंदे और 52 रन बनाने हैं भारतीय टीम को, सिर्फ 2 विकेट हाथ में। आरपी सिंह सामना करेंगे कैटिच का, आसान सा सिंगल, पर जहां चौके छक्कों की जरूरत है वहां सिंगल से काम नहीं चलेगा। भारत के लिए बहुत मुश्किल काम, 50 रन अभी भी चाहिए भारत को, सिर्फ आरपी सिंह और प्रवीण कुमार क्रीज में हैं। तो
लॉन्ग तैयार अपने ओवर की आखिरी गेंद लिख किया था सिंगल लेने की कोशिश बॉलिंग पर डायरेक्ट और यहां पर एक मौका ऑस्ट्रेलिया के लिए इस एटीएफ चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने का तीसरे अंपायर की मदद ली है ग्राउंड अंपायर ने और रिप्ले से साफ जाहिर है कि प्रवीण कुमार आउट और ये तीसरे अंपायर का फैसला प्रवीण कुमार रन आउट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की झोली में ऐसा लगता है ये चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि विजय चकावत का बाहर आना बहुत मुश्किल है सिर पे जिस तरह की चोट है डॉक्टर्स ने भी कहा उन्हें कि वो नहीं खेल पाएंगे कोच आप ही ने तो कहा था कि 100 करोड़ हिंदुस्तानी अपने सपने हम 11 खिलाड़ियों के जरिए जीते इनके सपनों को कभी टूटने मत देना कोच मैंने कई बार इनके सपने तोड़े आज मौका मिला है इनके सपनों को पूरा करने का आज मैं इनके सपने नहीं टूटने दूंगा विजय ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अंपायर से गुफ्तगु कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि क्या किया जाएगा क्राउड भी वापस जाना शुरू हो गया निराश यहां पर पूरी जनता एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की झोली में निराश ड्रेसिंग रूम और अतुल ये क्या बहा जो खून तो ये खून रुक भी जाएगा मगर ये लम्हा जो बीता तो फिर ना आएगा कमाल है मैंने ऐसी बहादुरी बहुत कम देखी है क्योंकि मैदान पे शायद वो कुंडे का चेहरा जो वेस्ट इंडीज में जमरा ढूंढने के बाद गेंदबाजी करते हैं वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है और भारतीय समर्थकों को भी एक बार विश्वास नहीं हुआ एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है पूरे मैदान में मुझे तो याद आता है महेंद्र अमरनाथ के मुंह पर 27-28 स्टिचेस लगे थे वेस्ट इंडीज में उसके बावजूद वो खेलने उतरे थे मैदान पर अगले दिन हालांकि क्योंकि दिन का खेल खत्म हो रहा था उसे देखना ये है कि विजय शेखावत 12 बॉल में जो 50 रन चाहिए वो बना सकते हैं तैयार और नो बॉल का इशारा लंबा छक्का मारा है विजय शेखावत ने और इसी शॉट के साथ उनकी सेंचुरी भी हुई शानदार शॉट हैरान कर दिया और खेल खिलाड़ी भी हैरान है कि जिस खिलाड़ी के सिर पे इतनी जोरदार चोट लगी है वो ऐसा शॉट कैसे मार गया और अब 12 गेंदों में 43 रन चाहिए भारतीय टीम को ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर काफी खुश उम्मीदें जाग रही है जिस तरह का जज्बा दिखाया परेशान छक्का और ये तीसरे खिलाड़ी को
छह छक्के लगा दिए हैं लगातार एक ही ओवर में। ऐसा लगता है कि नामुमकिन को मुमकिन करने आए हैं विजय शेखावत, क्योंकि अब 13 रन चाहिए सिर्फ 7 गेंदों में। पर जरूरी यह है भारत के लिए कि स्ट्राइक विजय शेखावत के पास रहे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने तो यही किया है, सभी खिलाड़ियों को अंदर लिया है सिंगल रोकने के लिए। देखना यह है कि विजय शेखावत अब किस तरह की सोच रखते हैं, सिंगल लेने जाएंगे या फिर से सिक्स लगाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेली, थोड़े से फिसले जरूर थे लेकिन सिंगल लेने में कामयाब हुए। इंटेलिजेंट क्रिकेट जिस रिदम में आ चुके हैं विजय शेखावत, ऐसा लगता है कि मैच निकाल कर ले जाएंगे। आखिरी ओवर में जब केवल 12 रन चाहिए भारत को अब जीतने के लिए, आखिरी ओवर करेंगे ब्रेटली। एक और छक्का चाहिए विजय शेखावत के बल्ले से ये मैच जीतने के लिए। ब्रेटली तैयार, अगली गेंद और नीचे खेला है, प्लेस किया है, दो रन लेना चाहते हैं, आसानी से हो जाएंगे पर नहीं। आज के सिंह फिसल गए, विजय शेखावत बहुत जाना चाहते हैं पर नहीं हो पाएगा और स्ट्राइक हाथ से निकल गई। इस बॉल पर सिंगल लेना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के पास भी बहुत अच्छा मौका, जानते हैं कि सिर्फ एक विकेट बची है और ब्रेटली यॉर्कर की तरह में, और अब आदमी के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है कि किसी तरह सिंगल निकाले। टक्कर हुई यहां पर, गिर गए हैं विजय शेखावत और ऐसा लगता है जैसे उनके सर पर दोबारा से चोट लग गई है, बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा गया है अंपायर का कि बताएं कि रन आउट है कि नहीं, क्या ये मैच भारत के हाथ से निकल गया है। पर चिंता का विषय है कि विजय शेखावत जिन्हें पहले ही चोट लगी हुई है वो अपना थोड़ा सा सर पकड़े हुए हैं। विजय तुम ठीक हो ना, फिजियो को बुलाओ। और अब इशारा किया उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ के देखे विजय को, और इस बीच अगर नजर डालें रिप्ले पे जोरदार टक्कर तो जरूर हुई है पर साथ ही साथ बहुत ही करीबी मामला है रनआउट के लिए भी और थर्ड अंपायर के लिए भी बहुत मुश्किल डिसीजन और सारा हिंदुस्तान इस समय टेंशन में। तीसरे अंपायर के फैसले का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि मैच जीते लेकिन नॉट आउट। चलो जल्दी से खड़ा हो जाओ। अब सिर्फ 4 रन चाहिए 3 गेंदों में। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच आ चुका है। स्ट्राइक लेंगे विजय शेखावत, चोट तो लगी है उनके सर में। मुझे लगता है कि आप भी सिर पे बॉल लगता है या सिर पे एक झंझाट सी होती है तो कई बार नजरें जो है फोकस नहीं कर पाते गेंद के ऊपर और बार बार जैसे जैसे हिला रहे हैं मुझे लगता है कि जरूर कोई दिक्कत है। 3 बॉलें और 4 रन चाहिए ब्रेटली तैयार अगली गेंद के लिए। विजय शेखावत को शेखावत ने घुमा दिया है, एक स्लॉग शॉट भाग्यशाली रहे कि भारी किनारा नहीं लगा, कोई रन नहीं। और नाराज है अपने आप से, ऐसा लगता है कि बॉल ठीक से नजर नहीं आई और ये बात को नोटिस किया माइकल हसी ने भी। और अब आरपी सिंह भी उनके पास आए हैं पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। और अभी भी 2 गेंदों में 4 रन चाहिए भारतीय टीम को और मुझे पूरा यकीन है कि इस समय पूरा हिंदुस्तान और सारे क्रिकेट प्रेमी एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि विजय शेखावत इस मैच में भारत को जीत दिलाए। देख लेते हैं कि 5वीं बॉल अब फिर से मिस कर गए। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल लाइन में नहीं आ रहे, जिस तरह से पहले छक्के लगाए थे बयां करता है कि इस वक्त बॉल को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे। और माइकल हसी बहुत चालाक शातिर खिलाड़ी है, उन्होंने ये बात नोटिस की और बिल्कुल ब्रेटली से बात की है। आई एग्री, आई एम श्योर ही कांट सी। Bolam, are you okay? Yeah? Let's go. Would you last?
एक फोन दीजिए। क्या सोचा? चल गुड बाय। आखिरी बॉल, बहुत ही टेंस सिचुएशन। चार रन और चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। Someone told me BJ means victory. Good game. Kakusa, we won the Champions Trophy. Where are you going, Kakusa? तो माफ कर दो, बेटा वापस मिल गया। दादा, दादा।
बापू जी मने थारी शायद मेरी मुक्ति में ही दादा की मुक्ति थी। से बने हर रंग और पिछले बिताए हर पल का श्रेय सिर्फ आपको जाता है।